Welcome to Q&A TV. I'm Ansul Miskin and you're watching this chunk which is known as hashtag news informative. दोस्तों इस चंक में अभी एक खबर आई कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने 9 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को 9 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को प्री मेच्योरली उनके काम से रिटायर करने का फैसला लिया है. अब अगर आपको इन 9 एम्प्लॉयज के बारे में थोड़ा कुछ बताएं तो ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे और जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के एक्ट 226 पार्ट 2 के तहत ये फैसला लिया गया. और इनमें से दोस्तों हम आपको बताएं कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज भी थे जिनके अगेंस्ट करप्शन चार्जेस भी लगे हुए थे और उन्हें भी मद्देनजर रखते हुए इस तरीके का फैसला लिया गया. अब अगर आर्टिकल 226 पार्ट 2 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के बारे में आपको थोड़ा कुछ बताएं तो ये आर्टिकल सरकार को हक देती है कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल को जनहित को नजर में रखते हुए अपने कार्यकाल के 22 साल पूरे होने पर या तो फिर 48 साल अपनी एज के पूरे होने पर काम से रिटायर कर सकती है. और अब अगर आपको इस आर्टिकल के मेन मकसद के बारे में बताएं तो मेन मकसद यही था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एज अ डेड लॉट अब एक कहते हैं ना सर्कुलेशन में काम किए जा रहे थे अपने 62 साल पूरे होने का वेट कर रहे थे तो जो उससे कार्य प्रणाली में एक जो अड़चन पैदा होती थी उसको दूर करने के लिए ये डेड लॉट को हटाने के लिए इस तरीके का एक आर्टिकल जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया. अब अगर आपको इन 9 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की आइडेंटिटीज के बारे में बताएं कि किन है प्री मेच्योर रिटायरमेंट का इस तरह से सामना करना पड़ रहा है, उनके नाम है मेहराजुद्दीन बूजा जो है आईसी सीनियर बिल्डिंग ऑफिसर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मिस्टर गुलाम मुहियुद्दीन मलिक फॉर्मर ईओ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अनंतनाग, मिस्टर शब्बीर अहमद वानी असिस्टेंट सैनिटाइजेशन ऑफिसर एमसी शुपियन, मिस्टर जाकिर अली सैनिटरी सुपरवाइजर एमसी डोडा, मिस्टर अब्दुल लतीफ हेड असिस्टेंट एमसी बानिहाल, मिस्टर सुकेश कुमार सीनियर असिस्टेंट एमसी डोडा. और अब यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है इसमें कुछ एम्प्लॉयज जैसे कि शुरू में ही बताया है कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज भी थे जिनका नाम करप्शन में पाया गया और जिन्हें करप्शन चार्जेस पे निकाला गया. अब वो तीन ऐसे कौन है अब हम आपको उनके नाम बताते हैं. मिस्टर गौहर अली टुगू आईसी सेक्रेटरी डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, मिसेज शगुफ्ता फाजिल सेक्रेटरी डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर और ठाकुर दास इलेक्ट्रीशियन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. अब दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया सरकार ने ये फैसला लिया है जिसमें इन 9 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जिनके बारे में हमने आपको बताया जो कि काम करने वाले थे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से उन्हें जो है प्री मेच्योर रिटायरमेंट के ऑर्डर्स उनके हाथ में थमा दिए हैं और इनमें से तीन ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट करप्शन चार्जेस जो थे वो लगे हुए थे और उनको भी नजर में रखते हुए इनके अगेंस्ट ये कार्यवाही की गई. अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से जो ये स्टेप है ये सरकार का लिया हुआ ये वेलकमिंग स्टेप है और उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तरह के स्ट्रिक्ट एक्शंस और इस तरह के जो फर्दर कड़े फैसले हैं वो और लेते हुए सरकार दिखाई देगी और एक एग्जांपल सेट करेगी कि जो अपने काम में कोताही करेगा या ढिलाई बरतेगा उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा. तो इसी बात के साथ दोस्तों हमारी इस क्विक रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही. मैं फिर हाजिर होंगी किसी और रिपोर्ट के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू क्यूएनएस टीवी. बाय बाय.